नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका एडुटेकर के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की श्रृंखला को और आगे बढ़ाते हुए आधुनिक भारत के पार्ट टू को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों मैंने पार्ट वन में आधुनिक भारत से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस किया हुआ था, लेकिन कुछ प्रश्न बाकी रह गए थे जो कि आधुनिक भारत से संबंधित प्रश्न थे, उनको मैं भाग दो में शामिल किया है मैंने, तथा इस वीडियो के माध्यम से उनको मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। दोस्तों ये सभी जो प्रश्न हैं वो प्रीवियस ईयर के एनटीपीसी के जो एग्जाम्स हुए थे 2016 में, उनमें ये सभी प्रश्न आधुनिक भारत से संबंधित पूछे गए थे। दोस्तों आप वीडियो को बिल्कुल अंत तक, बिल्कुल लास्ट तक देखिए, लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते, देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि एनटीपीसी 2016 के परीक्षा में पूछे गए थे आधुनिक भारत से संबंधित। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों, मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? दोस्तों मनुस्मृति का जो अंग्रेजी में अनुवाद है वह किया गया था डॉक्टर जॉर्ज बुलर के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर जॉर्ज बुलर के द्वारा दोस्तों मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों यह जो मनुस्मृति है दोस्तों, मनुस्मृति का अनुवाद अंग्रेजी में कई बार हो चुका। दोस्तों जो मनुस्मृति है उसका अंग्रेजी में अनुवाद कई बार हो चुका है, परंतु डॉक्टर जॉर्ज बुलर का जो अनुवाद है दोस्तों वह सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए आप डॉक्टर जॉर्ज बुलर पे ही राइट क्लिक करेंगे, आपका राइट आंसर डॉक्टर जॉर्ज बुलर ही होगा, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है दोस्तों, हिंद स्वराज के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों हिंद स्वराज के जो लेखक हैं वह हैं महात्मा गांधी। कौन है? हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखी गई? तो हिंद स्वराज जो लिखी गई दोस्तों वह महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई, आप इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही दोस्तों। यह जो पुस्तक है हिंद स्वराज वह महात्मा गांधी जी की रचना, इसकी रचना जो की गई थी दोस्तों, इस पुस्तक को जो लिखा गया था हिंद स्वराज को वह वर्ष 1909 में, कब लिखा गया था? वर्ष 1909 में दोस्तों महात्मा गांधी ने इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की अपनी यात्रा के दौरान लिखा था। कब लिखा था? इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की अपनी यात्रा के दौरान महात्मा गांधी ने वर्ष 1909 में हिंद स्वराज को लिखा था, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से एक व्यक्ति ब्रिटिशों द्वारा फांसी पर चढ़ाया गया स्वतंत्रता संग्राम का क्रांतिकारी नहीं है। दोस्तों इन दिए गए चार ऑप्शनों में से एक क्रांतिकारी को आपको चूज करना है जिसको फांसी पर ब्रिटिशों द्वारा नहीं चढ़ाया गया था। दोस्तों चंद्रशेखर आजाद। किसको दोस्तों? चंद्रशेखर आजाद को ब्रिटिशों द्वारा फांसी पे नहीं चढ़ाया गया था, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही दोस्तों। चंद्रशेखर आजाद जो है इन्होंने, इनको गोली लग गई थी, गोली से मार दिया गया था अलाहाबाद पार्क में, अल्फ्रेड पार्क में इनको गोली गोली से मार दिया गया था, लेकिन इनको फांसी पर नहीं चढ़ाया गया था, आप इसे याद कर लीजिए। इन्होंने खुद को गोली मार ली थी दोस्तों, इन्होंने अल्फ्रेड पार्क जो कि इलाहाबाद में है वहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को गोली मार ली थी, इसलिए दोस्तों बाकी के जो तीन ऑप्शन हैं भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को ब्रिटिशों द्वारा फांसी पर चढ़ा दिया गया था, परंतु जो चंद्रशेखर आज़ाद थे उनको ब्रिटिशों द्वारा फांसी पर नहीं चढ़ाया गया था, इसलिए ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो स्थापना है वह भगत सिंह जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? भगत सिंह जी के द्वारा दोस्तों हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, यानी क्वेश्चन का ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही दोस्तों, आप इसे याद कर लीजिएगा। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो यह की गई थी वर्ष 1928 में। कब की गई थी? वर्ष 1928 में भगत सिंह जी के द्वारा की गई थी, तब इसे याद कर लीजिएगा, आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है दोस्तों, भगत सिंह और उनके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या की थी? दोस्तों आपको बताना है कि भगत सिंह और उनके अधिकारियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी? दोस्तों लाला लाजपत राय की मौत का, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही दोस्तों, लाला लाजपत राय जी की मौत का दोस्तों बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी, आप इसे याद कर लीजिएगा। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार कर उनकी हत्या कर दी गई थी। तो साइमन कमीशन का विरोध करते वक्त दोस्तों लाठियों के प्रहार के कारण ब्रिटिश अधिकारियों के जो सैनिक थे उनके लाठियों के कारण दोस्तों लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, तो इसी मृत्यु का बदला लेने के लिए लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के जो उस समय ब्रिटिश अधिकारी था जिसके ऑर्डर पे लाठियां चलवाई गई थी उसका नाम जॉन सॉन्डर्स था, उसकी उसको गोली मार दी गई थी भगत सिंह और उनके साथियों के द्वारा, तब से याद कर लीजिएगा। डेट था 17 दिसंबर, कब था? 17 दिसंबर वर्ष 1928, आप डेट याद कर लीजिएगा। इसी दिन जॉन सॉन्डर्स को गोली मारी थी भगत सिंह से, इसे आप इसे याद कर लीजिएगा।
अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था। दोस्तों आपको बताना है निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था। दोस्तों कमला नामक महाकाव्य जो लिखा गया वो लिखा गया बी डी सावकर द्वारा अंडमान जेल में लिखा गया था। आप इसे याद कर लीजिएगा, ये दोस्तों अंडमान जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा गया था, वो लिखा गया था दोस्तों वी डी सावकर जी के द्वारा। किसके द्वारा? वी डी सावकर जी के द्वारा दोस्तों जो अंडमान जेल की दीवारों पे महाकाव्य कमला लिखा गया था। अब इसे याद कर लीजिएगा, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। अंडमान की जेलों में काला पानी की सजा काट रहे थे दोस्तों उस टाइम बी डी सावकर जी जो थे हमारे स्वतंत्रता सेनानी। उस टाइम दोस्तों हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी बी डी सावकर जी थे उस समय अंडमान की जेलों में काला पानी की सजा काट रहे थे, तो उसी दौरान उन्होंने अंडमान की जेलों पर दोस्तों कमला नामक महाकाव्य लिख डाला था। तो अब इसे याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है ब्रिटिशों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ हुआ था। तो दोस्तों ब्रिटिशों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई जी का जो देहांत हुआ था वह हुआ था ग्वालियर में। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही दोस्तों। ब्रिटिशों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का जो देहांत हुआ तो हुआ था मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। यहीं पे इनका समाधि भी बनाई गई है। तब इसे याद कर लीजिएगा, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इनका देहांत हो गया था रानी लक्ष्मीबाई का ब्रिटिशों से लड़ते हुए, तथा ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी बनाई गई है। तथा एक चीज़ और, रानी लक्ष्मीबाई का दोस्तों जो जन्म हुआ था वह कहाँ पे हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था वह हुआ था वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म हुआ था। तथा परंतु इनको जो मृत्यु हुई थी, इनका जो देहांत हुआ था वह ब्रिटिशों से लड़ते हुए ग्वालियर में हुआ था, तथा ग्वालियर में इनकी समाधि भी है। तो आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है। दोस्तों भारत में सिविल सेवा का जो जनक है वह लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। किसको माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को दोस्तों भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे उनको भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है। तब इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है दोस्तों बंगाल सती अधिनियम 1829 किस गवर्नर द्वारा लागू किया गया था। दोस्तों जो बंगाल सती अधिनियम था 1829 में वह लॉर्ड विलियम बेंटिंक उस टाइम के गवर्नर जनरल थे उनके द्वारा लागू किया गया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बंगाल सती जो अधिनियम था 1829 का उसमें जो हमारे गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड विलियम बेंटिक उनके द्वारा लागू किया गया था। इसे याद कर लीजिएगा। तथा दोस्तों सती प्रथा का जो विरोध सर्वप्रथम भारती ने किया था उनका नाम था राजा राम मोहन राय। किसने किया था दोस्तों? सती प्रथा कानून को जो बंद करने के सती प्रथा को बंद करने के लिए उसका उन्मूलन करने का जो सर्वप्रथम विरोध किया गया था वह किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। तब इसे याद कर लीजिएगा। तथा बंगाल सती अधिनियम 1829 जो अधिनियम लाया गया था सत्य प्रथा के विरुद्ध दोस्तों वह लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में लाया गया था। तब इसे भी याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हिंदी में कहें तो हड़प की नीति या व्यपगत सिद्धांत, कुछ भी आप कह लीजिएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप कह लीजिएगा या व्यपगत का सिद्धांत कर लीजिए, हड़प की नीति कर लीजिए दोस्तों, या किसने बनाई थी। दोस्तों जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है या कहें तो व्यपगत सिद्धांत है वह लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। कब लाया गया था? 1848 से 1856 के बीच में। तब इसे याद कर लीजिएगा दोस्तों। जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है जो व्यपगत का सिद्धांत है वह लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1848 से 1856 के बीच में लाया गया था। तो इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था। दोस्तों आपको बताना है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का पहला जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था। दोस्तों यह किया गया था बंगाल में। कहाँ किया गया था? बंगाल में। सर ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही दोस्तों। बंगाल में स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत की सर्वप्रथम जूट मिल को स्थापित किया गया था। इसे याद कर लीजिएगा, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। ये जो जूट होता है या पटसन होता है इसको गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों जो जूट होता है उसको पटसन या गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता था। स्वतंत्रता से पूर्व बंगाल में सर्वप्रथम जूट मिल की स्थापना की गई थी। तो आपको ये चीज़ें भी याद रखनी है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है दोस्तों कि 1866 में ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना किसने की थी। दोस्तों 1866 में ईस्ट इंडिया संघ की जो स्थापना की गई थी वह की गई थी दादा भाई नरोजी जी के द्वारा। किसके द्वारा? दादा भाई नरोजी जी के द्वारा। दोस्तों 1866 में ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना की गई थी। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। तथा कहाँ की गई थी? तो इंग्लैंड में। कहाँ की गई थी?
लंदन में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की या ईस्ट इंडिया संघ की 1866 में दादा भाई नरोजी जी के द्वारा, तब इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है दोस्तों कि 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों आपको बताना है कि 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन का जो आदेश है वो किसके द्वारा दिया गया था। तो 1905 में दोस्तों बंगाल के विभाजन का जो आदेश है उस समय दिया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा दोस्तों बंगाल के विभाजन का आदेश दिया गया था। इसे याद कर लीजिएगा, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही दोस्तों, लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल के विभाजन का आदेश दे दिया गया था 1905 ईस्वी में। तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी। दोस्तों तो स्वदेशी आंदोलन की जो औपचारिक घोषणा है वह कब की गई थी? दोस्तों तो स्वदेशी आंदोलन की जो औपचारिक घोषणा है वह की थी 7 अगस्त वर्ष 1905 को। कब की गई थी? 7 अगस्त वर्ष 1905। यानी क्वेश्चन का ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन की जो घोषणा है वो की गई थी 7 अगस्त वर्ष 1905 को। आपसे डेट याद कर लीजिएगा, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे डेट पूछ सकता है दोस्तों। ब्रिटिश सरकार ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी थी। कब की थी? ब्रिटिशों द्वारा दोस्तों जैसे ही 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई थी उसी के दौरान 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन को विधिवत घोषित कर दिया गया। स्वदेशी आंदोलन के विधिवत घोषणा कर दी गई थी दोस्तों बंगाल विभाजन के विरोध में। दोस्तों स्वदेशी आंदोलन की घोषणा जो की गई थी वो की गई थी 7 अगस्त वर्ष 1905 को। अपडेट याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है दोस्तों इनमें से कौन सा आंदोलन लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था। दोस्तों जो लाला लाजपत राय, लाल बाल और पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बीपी चंद्र पाल के द्वारा दोस्तों वह कौन सा आंदोलन शुरू किया गया? तो वह किया गया था स्वदेशी आंदोलन। यानी क्वेश्चन का ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही। तो बंगाल विभाजन के विरोध में जो स्वदेशी आंदोलन की कमान संभाली गई थी, शुरुआत की गई थी, वो की गई थी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बीपी चंद्र पाल के द्वारा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है दोस्तों नई दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाया गया था। दोस्तों नई दिल्ली को जो देश की राजधानी बनाया गया था वह बनाया गया था 1911 ईस्वी में। अपडेट याद कर लीजिएगा, वर्ष 1911 ईस्वी में दोस्तों नई दिल्ली को देश की राजधानी बनाया गया था। हमारे कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को दोस्तों भारत की राजधानी बना दिया गया था 1911 ईस्वी में। तो आप इसे याद कर लीजिएगा दोस्तों। हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना एयू ह्यूम या कहें तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1850 ईस्वी में। यानी क्वेश्चन का ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही दोस्तों, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम या कह लीजिए एयू ह्यूम के द्वारा दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था वो हुआ था तेजपाल संस्कृत विद्यालय में, मुंबई में। तब इसे याद कर लीजिएगा, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है वो 28 दिसंबर 1885 को आयोजित किया गया था, जिसकी पहले अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो की गई थी ब्योमेश चंद्र बनर्जी या WC बनर्जी, आप कुछ भी कह लीजिए, उनके द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्षता की गई थी ब्योमेश चंद्र बनर्जी जी के द्वारा। तब इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है दोस्तों कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा कांग्रेस के किस सत्र में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। तो दोस्तों आपको जैसे पता होगा रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दोस्तों वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। इसके एक चीज़ और दोस्तों आपको कन्फ्यूज है, वंदे मातरम जो लिखा गया है वो लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा। इसके लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी द्वारा दोस्तों वंदे मातरम लिखा गया, जो कि भारत का राष्ट्रीय गीत है। परंतु इसको जो पहली बार गाया गया था वह गाया गया था कब गया था? 1896 में। कब गया था? 1896 ईस्वी में दोस्तों कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1896 में, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया था। अब इसे याद कर लीजिएगा, इसको संगीतबद्ध किया गया था, स्वरबद्ध किया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा 1896 ईस्वी में। तो अब इसे याद कर लीजिए, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। परंतु इसके जो लेखक हैं वंदे मातरम गीत के, जो कि भारत के राष्ट्रीय गीत है, इसके लेखक हैं कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो अब इसे याद कर लीजिएगा, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है दोस्तों सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो मुस्लिम अध्यक्ष थे वह थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद दोस्तों सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। यानी
इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। कब से कब तक थे? तो वर्ष 1940 से लेके वर्ष 1946 तक दोस्तों ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पे बने हुए थे, तब इसे याद कर लीजिएगा। आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, देश बंधु नवयुवक संघ का गठन किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों जो देश बंधु नवयुवक संघ का गठन है वह किया गया था तिरुपुर कुमारन के द्वारा। किसके द्वारा? तिरुपुर कुमारन के द्वारा दोस्तों देश बंधु नवयुवक संघ का गठन किया गया था, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही। आप नेम याद कर लीजिएगा, नाम याद कर लीजिएगा, तिरुपुर कुमारन के द्वारा दोस्तों देश बंधु नवयुवक संघ का गठन किया गया था। तो दोस्तों ये 20 प्रश्न थे जो कि आधुनिक भारत से संबंधित प्रश्न थे, ये रेलवे NTPC 2016 की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न थे। तो दोस्तों इन प्रश्नों को आप जरूर से याद कर लीजिएगा, जरूर से दिमाग में बैठा लीजिएगा, ये आपके आने वाले एग्जाम हेतु बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कि रेलवे की परीक्षाएं 2019 में होने वाली हैं उस हेतु। तो दोस्तों थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।